गाइस, मेरा नाम दुर्गा और आप देख रहे हैं फैक्टर फिटनेस। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी जिम गोअर के लिए, एंड यू नो नॉर्मल लोग भी उसको यूज़ कर सकते हैं। सो देर न करते मैं आपको बता दूंगा आज हम बात करेंगे। ऑयल के बारे में, उसके हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में, उसके बेनिफिट्स रिलेटेड टू बॉडी बिल्डिंग एंड फॉर दोज पीपल हु आर गोइंग टू जिम डेली, एंड उसके जनरल में क्या बेनिफिट्स होते हैं, उसके क्या एडवांटेजेस हैं, हम वो सब डिस्कस करेंगे। एंड उससे पहले हम जानेंगे व्हाट इज फिश ऑयल। सो धीरे करते हुए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। सो जैसा कि आप सबको पता होगा कि फिश ऑयल, यू नो, कोई भी बंदा जिम जाता होगा तो हमेशा बोलते हैं हम फिश ऑयल कंज्यूम करना चाहिए, उससे मसल मास ऐड होता है, फैट लॉस होता है, तो कि आपकी जॉइंट्स के लिए अच्छा है। तो क्या ऐसा एक्चुअली में होता है? सो फिश ऑयल, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूँ कि फिश ऑयल बनता कैसे। सो फिश ऑयल फर्स्ट ऑफ ऑल एक डाइटिंग सप्लीमेंट है, एंड उसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। एंड वो बनता कैसे है, वो फिश, जो फिश होती है फैटी फिश, एंड उसमें भी पर्टिकुलरली हमारी हो गई ट्यूना एंड मैकरल फिश, इन सब फिश के टिश्यूज से जो फैट को या ऑयल को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं उसको बोलते हैं फिश ऑयल। अभी मार्केट में एक और आता है कि कॉड लिवर ऑयल, ये दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, बट कॉड लिवर ऑयल में क्या होता है कि वो, जैसा कि आपको उसके नाम से समझ आ रहा होगा, वो फिश जो कॉड होती है तो उसके लिवर से एक्सट्रैक्ट किया जाता है उस केस में, इसलिए उसको कॉड लिवर ऑयल बोलते हैं। अभी बात आती है कि ये मिलता किस किस से है, इसकी डेली रिकमेंडेशन क्या है। सो फर्स्ट सोर्स तो इसका फिश ही है, जैसे कि आप लोगों को पता है। अभी वेजिटेरियन लोगों के लिए क्या होगा, वेजिटेरियन लोग इसको फ्लैक्स सीड से कंज्यूम कर सकते हैं, चिया सीड से कंज्यूम कर सकते हैं, अखरोट खा सकते हैं यानी कि वॉलनट्स खा सकते हैं। एंड इसकी डेली रिकमेंडेड डोसेज जो होती है वो होती है अराउंड 500 मिलीग्राम, एंड ये WHO ने डिसाइड किया है, मतलब किसी इंडिविजुअल ने डिसाइड नहीं किया है, WHO ने डिसाइड किया है कि इसकी डेली रिकमेंडेड इनटेक होनी चाहिए 500 मिलीग्राम तक फॉर नॉर्मल बींग्स जो जिम नहीं जाते हैं, अपना मसल ब्रेक नहीं करते हैं। एंड फॉर दोज पीपल हु आर गोइंग टू जिम डेली, उन सबके लिए इसकी रिक्वायरमेंट समवेयर अराउंड 1500 mg तक हो सकती है, 1500 मिलीग्राम तक कंज्यूम कर सकते हैं। सो फॉर एंड जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं वो डेफिनेटली इसको फिश से भी कंज्यूम कर सकते हैं, उसके वो वेजिटेरियन सोर्सेज आप जा सकते हैं लाइक फ्लैक्स सीड, चिया सीड और वॉलनट्स में आपको रहा है, इवन पीकेंस भी हम कंज्यूम कर सकते हैं। एंड अभी बात आती है इसके अंदर मेन कंपोनेंट्स कौन से होते हैं फिश ऑयल के अंदर। फिश ऑयल का अगर कभी भी आप किसी भी फिश ऑयल सप्लीमेंट का इंग्रेडिएंट लेबल उठा कर देखेंगे तो उसके अंदर आप देखेंगे कि EPA एंड DHA मेंशन होता है हमेशा उसमें, एंड उसकी क्वांटिटी मेंशन होगी लाइक 300 मिलीग्राम्स, 500 मिलीग्राम्स पर कैप्सूल। तो हमको जनरली वो वाला सप्लीमेंट कंज्यूम करना चाहिए जिसके अंदर यू नो अराउंड 300 मिलीग्राम्स तक की कैपेसिटी हो एक कैप्सूल के अंदर। सो आप किसी भी सप्लीमेंट को उठा के देखेंगे उसके अंदर EPA एंड DHA होता है, वेयर एज जो ऑन द सेम हैंड जो वो है फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स एंड पीकेंस के अंदर और वॉलनट्स के अंदर जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है उसके अंदर जो कंपाउंड प्रेजेंट होता है वो होता है ALA जो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर गिविंग ओमेगा 3 फैटी एसिड। लेकिन जो यू नो नॉन वेज सोर्स फिश के अंदर जो प्रेजेंट है ओमेगा 3 फैटी एसिड और जो उसके कंपाउंड है EPA एंड DHA वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दियर होते हैं और काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं रेदर देन दिस प्लांट बेस्ड सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ये तो हो गया इसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की बात, इसके अंदर कितनी क्वांटिटी प्रेजेंट होती है और हमको कितनी क्वांटिटी कंज्यूम करनी चाहिए फिश ऑयल की। सो फिश ऑयल की जैसा मैंने आपको बताया एटलीस्ट के लिए अराउंड 1500 mg तक कंज्यूम कर सकते हैं, एंड फॉर नॉर्मल बींग्स वो अराउंड 500 mg तक कंज्यूम कर सकते हैं। अभी हम इसके बेनिफिट्स देखेंगे, इसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा कि ओमेगा 3 फैटी एसिड है तो आपको समझ आ गया होगा कि यह हार्ट के लिए कितना ज़्यादा हेल्दी है, तो ऑब्वियसली हमको प्रिवेंट कर सकता है हार्ट स्ट्रोक से। वो कैसे करता है कि वो आपका जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसको इंक्रीज कर देता है, एंड जो आपके ब्लड प्रेशर लेवल्स हैं उसको कंट्रोल रखता है फॉर दोज पीपल जिनका ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर रहता है, एंड आपके जो ट्राइग्लिसराइड होता है उसको भी रिड्यूस कर देता है। एंड जिन लोगों को नहीं पता कि व्हाट आर ट्राइग्लिसराइड्स, उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी कोकोनट ऑयल से रिलेटेड, उसके साथ मैंने एक्सप्लेन किया था कि व्हाट आर ट्राइग्लिसराइड्स, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करता हूँ, प्लीज़ आप उसको चेक कर लीजिएगा। अभी नेक्स्ट बात आती है कि आपके ब्रेन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ब्रेन के लिए कैसे इंपॉर्टेंट होता है, ब्रेन जो होता है हमारा ऑलमोस्ट 60% फैट से बना होता है, एंड उसके अंदर यू नो ओमेगा 3 फैटी एसिड भी काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। सो ये आपकी यू नो ब्रेन की फंक्शनिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एट द सेम टाइम ये हमारी आई की फंक्शनिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यू नो हमारी आई की आई साइट को इम्प्रूव करता है, एंड जिन लोगों की डाइट में ओमेगा 3 फैटी एसिड की डेफिशिएंसी होती है वो लोग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनकी आई साइट वीक होनी स्टार्ट हो जाती है। देन लेटर बात आती है ये बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, एंड यहीं पर हमारा जो बॉडी बिल्डिंग और मसल गेन
पॉइंट होंगे, मैं वहाँ यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा कि वो कैसे हमको हेल्प करता है मसल गेन में या फैट लॉस में। तो फिश ऑयल यू नो डेफिनेटली हमको हेल्प करता है फैट लॉस करने के लिए, एंड आपको पता होगा कि फैट लॉस करने के लिए हमको हमेशा फैट को कंज्यूम भी करना पड़ता है, तो फिश ऑयल इज़ वन ऑफ द गुड सोर्सेज। इसलिए हम कभी भी बोलते हैं कि हमें फैट खाना चाहिए तो चिया सीड्स बोलते हैं, फ्लैक्स सीड्स बोलते हैं, वो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि उसके अंदर ओमेगा 3 की गुड क्वांटिटी होती है, या फिश ऑयल बोलते हैं तो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि अगर हम फैटी कंज्यूम नहीं करेंगे तो हमारा फैट लॉस ही नहीं होगा। देन बात आती है जितनी भी इन्फ्लेमेशन होगी आपकी बॉडी के अंदर, इन्फ्लेमेशन वो सब रिड्यूस कर देगा आपके मसल के अंदर जितनी इन्फ्लेमेशन होगी। वो कैसे रिड्यूस करता है कि जो फिश ऑयल होता है उसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, तो वो एक मॉलिक्यूल जनरेट करता है, तो जितनी भी इन्फ्लेमेशन होगी आपकी मसल्स के अंदर या आपके जॉइंट्स के अंदर वो सबको रिड्यूस कर देगा, एंड आपके जॉइंट्स के अंदर जितना पेन होता है उनको रिड्यूस करता है, आपकी बोन को स्ट्रॉन्गर बनाता है, एंड आपका मसल रिकवरी टाइम इम्प्रूव कर देता है, तो जितनी जल्दी आपकी रिकवरी होगी उतनी बेटर आपकी ग्रोथ हो जाएगी। तो ये तो हमारा मसल बिल्डिंग एंड फैट लॉस के लिए इसका पॉइंट ऑफ व्यू कि इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसके क्या बेनिफिट्स हैं। एंड इसकी क्वांटिटी गाइस, अगर आप एक एथलीट हैं तो 1500 मिलीग्राम से कंज्यूम कर सकते हैं, एंड इसको लेना कब है, इसकी डोसेज तो हमने बता दी कि हमको इतना कंज्यूम करना, बट इसको लेना कब है, टाइमिंग्स क्या है इसकी। सो टाइमिंग्स मैं सजेस्ट करूँगा आप इसको कभी भी आप अपनी यू नो जब दूसरी फैट मील्स कंज्यूम कर रहे हैं तो उसके साथ इसको कंज्यूम कीजिए, क्योंकि यू नो जो रेस्ट ऑफ द डाइटरी फैट्स होते हैं वो इसकी डाइजेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड की डाइजेशन को इम्प्रूव कर देते हैं। सो इन केस अगर आप अपने ब्रेकफास्ट में यू नो सारे कार्ब्स प्रोटीन एंड फैट्स भी इंक्लूड करते हैं इनकेस, तो वहाँ पर आप एक यू नो फिश ऑयल को कंज्यूम कर सकते हैं, एंड देन या अपने आप ओट्स के अंदर चिया सीड्स फ्लैक्स सीड्स का कॉम्बिनेशन डाल सकते हैं, पीकन वॉलनट्स के साथ डाल सकते हैं, वो भी डाल सकते हैं आप अपने ब्रेकफास्ट में, एंड देन मे बी आफ्टर योर वर्कआउट जब यू नो आपकी बॉडी को कब सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है इंक्लूडिंग बोथ माइक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, आप उस मोमेंट पर भी इसको ऐड कर सकते हैं जब आप यू नो अपना पोस्ट वर्कआउट शेक लेते हैं, एंड देन आफ्टर शेक आप कोई भी एक सॉलिड मील कंज्यूम करते हैं तो उसमें डेफिनेटली एक फैट की क्वांटिटी होती होगी, तो आप उसके साथ इसको कंज्यूम कर सकते हैं ताकि यू नो वो फैट इसकी डाइजेशन में आपको हेल्प करे, एंड देन आप इससे काफ़ी ज़्यादा मैक्सिमम गेन्स ले सकें। और जो इसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या करता है आपकी स्किन की हेल्थ को और स्किन की क्वालिटी को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करता है। जैसा कि आप सबको पता होगा कि स्किन यू नो एक आपका बहुत ही ज़्यादा लार्जेस्ट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ योर बॉडी, तो अगर आपकी स्किन क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो आप जितना भी मसल डेवलप करते हैं वो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हमको एट द लास्ट जब अभी हम एप्स डेवलप करना चाहते हैं तो हमको अपनी स्किन की क्वालिटी यू नो वेरी थिन होनी चाहिए, हमारी स्किन पेपर थिन स्किन लोगों को चाहिए रहती होती है, तो फिश ऑयल आपको यू नो वो अचीव करने में हेल्प कर सकता है कि आपकी स्किन क्वालिटी इंप्रूव कर देगा, क्योंकि ओवर द एज जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है तो आपकी स्किन क्वालिटी डिग्रेड होनी स्टार्ट हो जाती है। अगर आप अपने आपको फिश ऑयल से सप्लीमेंट करते हैं तो डेफिनेटली, या ओमेगा 3 फैटी एसिड से सप्लीमेंट करते हैं तो आपको स्किन क्वालिटी आपकी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर देता है। एंड तो आज का टॉपिक यही था जिसमें हमने डिस्कस किया कि फिश ऑयल के क्या एडवांटेजेस हैं, जनरल हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं, और फिश ऑयल बनता कैसे है, एंड उसके बेनिफिट्स क्या हैं व्हेन इट कम्स टू मसल गेन एंड इन टर्म्स ऑफ बॉडी बिल्डिंग। सो उसके यू नो हमने बेनिफिट्स डिस्कस किए कि हार्ट के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके हार्ट के लिए, वो आपके हार्ट के अंदर क्या करता है, गुड कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज कर देता है एंड बैड कोलेस्ट्रॉल डिक्रीज कर देता है, एंड आपके स्ट्रोक के चांसेस का कम कर देता है। तो आज का टॉपिक ये था, आपको कैसा लगा आज का कंटेंट प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। इफ यू लाइक दी वीडियो एंड कंटेंट फॉर टुडे प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, इट्स ऑल फ्री, एंड इधर सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा एंड उसके बाद नोटिफिकेशन बेल आइकन होगा, प्लीज़ दोनों को प्रेस कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करने से क्या होगा, कभी मैं वीडियो डालूंगा तो आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगी एंड आप मेरी वीडियो कभी भी मिस नहीं करेंगे, सो तभी मैं वीडियो डालूंगा तो आप उसको देख सकते जाके, एंड प्लीज़ वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, इट्स ऑल फ्री। एंड आपको अगर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर यू नो वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, मैं उसको डेफिनेटली कंसिडर करूँगा एंड ट्राई करूँगा कि मैं उस टॉपिक को भी यू नो अपकमिंग वीडियोस में कवर कर सकूँ। सो आज का टॉपिक ये था, टिल द नेक्स्ट वीडियो, साइनिंग आउट।